अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इशफाक, लंदन से आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बिलेटेड ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ईद इन्जॉय की होगी। आज का मेरा टॉपिक बड़ा अनयूजल है, अनयूजल इन अ सेंस कि मैंने बहुत कम लोगों को इस पर बात करते हुए सुना, बल्कि मेरी नज़र से कोई ऐसा बड़ा स्कॉलर या कोई ऐसे डॉक्टर या ऐसे रिलीजियस पर्सनैलिटी नहीं गुजरी जिसने इस टॉपिक पर बात की हो और लोगों में अवेयरनेस फैलाई हो। ना कोई मैंने मीडिया पे या चैनल पे इस तरह का कोई प्रोग्राम देखा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मेडिकल रीजंस क्या हैं किसी पे जिन आने के, जो आप जिन आने का जो किसी को कहते हैं कि इस पे जिन आ गया, इसके मेडिकल क्या कॉजेज़ हैं। वैसे तो रिलीजियस उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको मैं टच नहीं कर रहा, लेकिन एज अ डॉक्टर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में 20 साल मेडिकल कैरियर में मैंने जो देखी और अपनी ज़िंदगी में बचपन से पर्सनल जो बातें सुनते आए वो उसको मैंने जब बाद में कोरिलेट किया आगे जाके, तो मैं कहा कि मैं आपसे ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो मैसेज है, आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके मिसकॉन्सेप्शन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो जिन कैसे आता है किसी पे, आपने सुना होगा कि फ़लाँ आलिम आए, उन्होंने जिन से बात की। अच्छा, जिन से बात कैसे की जाती है मेडिकली, मैं आपको बताता हूँ कि जिन से बात भी करते हैं वो और उसके मेडिकल रीजंस क्या हैं। फलां औरत पे जिन आ गया, उसको झटके पड़े, उसके हार्ट टेढ़े हो गए, आमिल आए, आमिल ने जिन से बात की, उसके बाद उसने 3 लीटर पानी पी लिया, दूध पी लिया। ये सारी स्टोरीज़ आपने सुनी है और हमने भी सुनी है। हमने तो क्लोज़ आसपास के क्लोज़ रिलेटिव्स, क्योंकि जिन कम्युनिटीज़ में हम रहते हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इस तरह लोग आपस में मिलते जुलते हैं तो एक दूसरे से बात होती है। तो आइए मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ कि ये बेसिकली सारा गेम क्या है और कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसको आपने जहन में रखना है और इससे आप बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। छोटी सी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि एक लड़की है जिसकी शादी हो गई 16-17 साल की उम्र में। अब वो खुद भी छोटी है, एंग्जाइटी है, परेशान होती है, डर होता है, खौफ होता है जब वो नए घर जा रही है, फिर बच्चा हो गया उसको, अगर ससुराल वाले अच्छे ना मिले तो फिर एक और प्रेशर है। कुछ दिनों बाद आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाई मेरी बीवी पे जिन आ गया है, फलां शख्स ने कहा कि भाई। और ये मैंने करोड़पति लोगों के घरों में सुनी है ये बातें, ये मैं आपको गांव गोठों की बात नहीं बता रहा। नंद ने कहा कि भाई मेरी भाभी पे जिन आ गया है, सास कह रही है मेरी बहू पे जिन आ गया है, आमिलों के पास जाते हैं, मौलवियों के पास जाते हैं, ना जाने क्या क्या कुछ करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आमिल साहब आते हैं, जिन से बात करते हैं, जिनको मारते भी हैं, जिनसे बात भी करते हैं, औरत को झटके भी पड़ते हैं, औरत उठती भी है। ये सारा कुछ कैसे होता है और उसकी मेडिकल रीज़न क्या है, अब मैं आपको बताऊं कि इसकी मेडिकल रीज़न क्या है। जब भी आप एंग्जाइटी में होते हैं, इंटेंस एंग्जाइटी हो, जब फियर हो, पैनिक हो, देन यू ब्रीद टू फास्ट, इज़न्ट इट, आप सांस ज़्यादा लेते हैं। नॉर्मली आपकी जो सांस का जो रेट है वो 12 से 16 होता है, 18 से प्लस हो तो आप कहते हैं कि ये सांस ज़्यादा आप ले रहे हैं। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आप ऑक्सीजन लेते हैं, जब आप सांस बाहर करते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये अल्लाह का बनाया हुआ एक निज़ाम है। अगर आपकी बॉडी का निज़ाम थोड़ा सा भी बैलेंस से आउट हो जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप फास्ट ब्रीथ करना शुरू कर दें, 12 की बजाय आप 24-30 दफ़ा फास्ट ब्रीथ करें, तो यू आर गोइंग टू लूज योर कार्बन डाइऑक्साइड मोर। आप कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट करते हैं, इसको हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। आपकी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रेस्पिरेटरी एसिड कहा जाता है, आपकी बॉडी का वो एसिड है। जब आप बॉडी से एसिड निकाल दें तो आपकी बॉडी का बैलेंस आउट हो जाएगा, आपकी बॉडी में अल्कली बढ़ जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगी आपकी बॉडी। इस कंडीशन को कहते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब होता क्या है कि जब आप फास्ट ब्रीथ करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट कर देते हैं। जब आप वॉश आउट कर देते हैं, आपकी बॉडी का जो पीएच है वो अल्कलाइन हो गया, आपकी बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं वो फौरन से कैल्शियम से बाइंड कर जाएंगे। वो कैल्शियम जो आपकी बॉडी में फ्री कैल्शियम है वो उसके साथ बाइंड कर जाएंगे, जो आपकी बॉडी की प्रोटीन्स हैं। जस्ट टू मेक श्योर, आपको थोड़ा सा मैं बताऊं कि प्रोटीन्स जो हैं वो आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, आपकी बॉडी का कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो सॉल्ट्स हैं, वो प्रोटीन से बाइंड होते हैं। तो ऑल ऑफ सडन जब बॉडी का पीएच चेंज होगा, आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो जो प्रोटीन्स आपकी बॉडी में ब्लड में है वो सारा फ्री कैल्शियम उनसे चिपक जाएगा। जब फ्री कैल्शियम चिपक जाएगा तो आपकी बॉडी में एक शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रांजिएंटली कैल्शियम लेवल क्रिटिकली हद तक ड्रॉप हो जाएगा।
अब जब वो कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो जाएगा, तो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मसल्स फंक्शनिंग, आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं, क्लॉटिंग है, कोएगुलेशन, सारी चीज़ें कैल्शियम कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे ही कैल्शियम कम होगा, मेडिकल में हम उसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, जब कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो जाएगा तो आपने देखा होगा कि ऑल ऑफ सडन जो है वो लोगों को इधर नमनेस शुरू हो जाती है और हाथ टेढ़े हो जाते हैं इस तरह। इसको कहते हैं कार्पोपेडल स्पाज़म। जब ये हाथ इस तरह टेढ़े हो जाते हैं तो एकदम से फिर लोगों को फिट्स पड़ जाते हैं। अब आपने देखा कि यार भाभी है, हाथ टेढ़े हो गए और उसको झटके भी पड़ रहे हैं, आंखें भी ऊपर चली गई और आवाज़ भी जिन जैसी हो गई, आवाज़ भी उसने चेंज कर दी। तो अब आवाज़ कैसे चेंज हो जाती है? आपने देखा होगा कि कभी कभी वो मर्दों की आवाज़ में औरत बात कर रही होती है, कभी कभी वो गैर इंसानी आवाज़ निकाल रही होती है जो आपने कभी पहले नहीं सुनी होती, ना वो चरिंद की होती ना परिंद की होती। तो आपके जो लैरिंग्स के मसल है, जो साउंड बॉक्स है, वो मसल भी तो कैल्शियम ही कंट्रोल कर रहा है। तो बेसिकली पूरी बॉडी में जो कैल्शियम का निज़ाम ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से आपके लैरिंग्स के मसल एकदम से आवाज़ तेज़ हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसकी टोन चेंज हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, वो हैवी हो जाएगी। और फिर आप उस पेशेंट से जो बुलवा लेना वो बोल देगा, वो कहेगा मैं इसको कत्ल कर दूंगा, इसको मैं दरिया में फेंक दूंगा। अब जाहिर सी बात है घर वाले डर जाते हैं कि ये तो जिन है। और बाबा जो है वो उस जिन को कैसे लाता है, मैं आपको ये भी बताऊँ। बाबा जो है वो क्या करते हैं, वो फास्ट ब्रीथ कराते हैं आपके बच्चों को, आपके पेशेंट को। आप देखें, एक वीडियो है, अभी मुझे किसी ने टैग भी किया उसमें कि अशफाक भाई आप ये वीडियो देखें, कि उसमें 12-13 साल का बच्चा है, हज़ारों का मजमा है, उसमें बाबा ने हाथ पकड़ा हुआ है उस बच्चे का और वो उसको फास्ट ब्रीथ करा रहा है, और दूसरा हाथ आप बच्चे का देखें ऐसे हुआ हुआ है, आप देखें उसको अभी आज जाके। तो वो बेसिकली जब फास्ट ब्रीथ आपको कराते हैं तो आपकी बॉडी का कैल्शियम ड्रॉप हो जाता है और आपके हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, फिर आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है, वो आपसे बात करते हैं जानबूझ के कि तू बता कौन है, तू क्या है। तो वो बच्चा है, वो तो जो चाहे आप बुलवा लें उससे, तू यहाँ पे किसको मारने आया है, तू किसको काट के फेंक देगा, तो वो तो एक्स वाई जेड किसी का भी नाम ले लेगा। यह आपने बात समझी कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट करते हैं आपकी बॉडी का पीएच कम हो जाता है, आपका कैल्शियम प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा, आपका कैल्शियम ख़त्म हो जाएगा और आपको ये सारे सिम्टम्स आएंगे और आपको फिट्स भी पड़ेंगे, आपकी आंखें भी ऊपर चढ़ जाएंगी, आपकी आवाज़ भी चेंज हो जाएगी। अब क्या होता है, इसको रोका कैसे जा सकता है? इसको रोकने के लिए आप पेशेंट को, हम जो ये इमरजेंसी में जब भी पेशेंट आते हैं तो उनको गाइड करते हैं कि तुम जो है वो लंबी लंबी सांस लो, फास्ट ब्रीद ना करो, नाक से सांस लो, नाक से ही निकालो, मुँह से बाहर ना निकालो। दूसरा हम ये काम करते हैं कि पेपर बैग होता है छोटा सा, वो पेशेंट के मुंह पे दगा देते हैं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्रीथ कर रहा है बाहर वो वापस उसके अंदर जाए। तो जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है तो बॉडी का पीएच नॉर्मल हो जाता है और प्रोटीन्स जो है वो कैल्शियम को रिलीज़ कर देती हैं और वो फिटिंग्स वगैरह सारी रुक जाती है, पेशेंट ठीक हो जाता है, स्पाज़म वगैरह, हाथ पाँव सब सही हो जाते हैं। ये इसमें 2-5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती। बेसिकली ये एंग्जाइटी और पैनिक अटैक होते हैं जिसकी वजह से लोग फास्ट ब्रीथ करते हैं और उसकी वजह से कैल्शियम आपका जो है वो कम हो जाता है। जो बाबा आता है वो क्या कराता है, वो आपको फास्ट ब्रीथ करा के, हाइपरवेंटिलेट करा के, गुस्सा करा के, आपको कैल्शियम आपका जब कम हो जाएगा आपसे वो बात करेगा। आप कहेंगे भाई ये तो जिन को बुला लिया इसने, तो मेरी बेटी की आवाज़ ही चेंज हो गई। फिर वो उसको फिट्स तक पड़वा सकता है और बाज़ दफ़ा इसमें पोटेशियम लेवल कम हो जाता है और लोग मर भी सकते हैं, केस रिपोर्ट हुए। तो इस चीज़ को मैंने शेयर इसलिए करना था ताकि आप लोगों को पता चले कि आप मेडिकल हेल्प लें बजाय इसके कि आप इस तरफ के लोगों की तरफ जाएं। आपका बच्चा आपकी जान से हाथ धो सकता है, आपकी बच्ची आपके हाथ से जा सकती है। फिर जब वो फिट्स पढ़ा देते हैं उसके बाद उनकी ब्रीदिंग जब फास्ट होती है, उसको रोकने के लिए वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, या तो उसको चोट पहुँचाते हैं, सर पर डंडा मारते हैं, बाद दफ़ा मैंने देखा है कि नाखून जो हैं उनको बर्न कर देते हैं ताकि वो स्टॉप कर दे ब्रीदिंग, और फिर वो कहते हैं देखो आपका बच्चा ठीक हो गया। अब आप पूछें कि ये 2-3 लीटर दूध की क्या कहानी है, ये भी होता है। जब आपको फिट्स पड़ते हैं ना, आपकी पूरी बॉडी ड्रेन हो चुकी होती है, यू आर डाइंग लाइक इन हंगर, आपको पूरी बॉडी की जो ATPs है, आपके होल रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे आप जिम से आते हैं और आप एकदम से मिल्क शेक वगैरह पीते हैं, तो आपके सामने जो लोग होंगे कहेंगे यार ये औरत है, दुबली पतली 40 साल की लड़की है, 3 लीटर पानी पी गई, दूध पी गई, ये तो जिन ही है इसके पास। आपने उसको लेबल कर दिया, उस बच्ची को आप तकलीफ़ दे रहे हैं, उसको मार रहे हैं। बाज़ दफ़ा मैं आपको बताऊं, एक्सट्रीम केसेस में लोग अपनी बच्चियां जो हैं वो दरबारों पे छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि आलिम कहता है कि भाई
ये हमारा काम इधर नहीं है, इसको डेरे पे आपको बांधना पड़ेगा, हम डेरे पे ले जाएंगे, माँ बाप ना आए हम करेंगे। फिर वो ना जाने उनके साथ उधर क्या करते, उनको किस तरह की तकलीफ़ पहुंचाते हैं, उनको उन बच्चों के साथ वो क्या करते हैं, 2-3 दिन तक उनको रखते हैं, बांध के रखते हैं, मारते हैं, असोल्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो जब ये आमिल आपके घरों में आते हैं, मैंने ये खुद रियल लाइफ में देखा है कि आमिल आता है, वो बात करवाता है कि भाई वो जिनसे बात कर रहा है 1,000-5,000 रुपये ले लेगा, जिनसे बात करवा लेगा। अब जिन जो है वो कहता है कि भाई मैं इसको मार दूंगा, सास की तरफ इशारा करता है, नंद की तरफ इशारा करता है कि मैं इसको उठा के मुहर्रम में जो है वो इधर फेंक दूंगा, उसको मैं रबी अव्वल में इधर फेंक दूंगा। तो अब होता ही है कि घर में लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बाज़ दफ़ा वो घर चेंज करते हैं। मैंने देखा है लोगों ने 3-3 घर चेंज किए, और जब उनकी कैपेसिटी नहीं होती, जाहिर सी बात है फियर है, वो डरते हैं कि भाई ये तो मेरा नाम ले रही है, ये तो जिन अंदर में बैठा हुआ है, तो मैं रात को सो नहीं सकती यहाँ पे। बेटे को कहती है कि भाई ये तो तुम्हारी बहू जो बीवी है, ये तो मेरा नाम ले रही थी, तुम तो पता है मैं तो बिल्कुल सीधी हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। अल्टीमेटली वो उस फियर में उस लड़की को जला देते हैं, उसको मार देते हैं। क्योंकि उनको डर है कि यार इसको, क्योंकि दे आर कन्विंस दैट दिस इज़ अ जिन, बेसिकली ये जिन नहीं है, दिस इज़ अ कंडीशन कॉल्ड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस विच कैन कॉज हाइपोकैल्सीमिया। आपका कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो जाएगा, आपको फिट्स पड़ेंगे, आपको स्पैसम्स होंगे। उसका ट्रीटमेंट सिंपल है कि आप जो है उसको पेपर ब्रीदिंग कराएं, एंग्जाइटी को रोकें, साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, और अच्छी ज़िंदगी जिएं, अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को इस अजाब में ना डालें। तो ये एक वन ऑफ द कॉज है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं, मैं इनकी पूरी सीरीज़ ला सकता हूँ। आई होप कि आपने इन्जॉय किया हो, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ को शेयर करें, लोगों को अवेयरनेस फैलाएं। मैं मीडिया से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ इन इस तरह के प्रोग्राम्स लाएं, इस तरह की वीडियोस डालें, इस तरह के जो हैं वो आप ड्रामेस बनाएं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आपके पास एयर टाइम है, आपको लोग सुनते हैं, व्यूअरशिप है, तो पुराने प्लीज़ घिसे पिटे ड्रामे जो हैं लव ट्राइंगल के वो बंद करें, पोलिटिकल शोज़, टॉक शोज़ सारा दिन आप चलाते हैं, अच्छा काम करें। मैं मस्जिद के मेंबर से भी कहना चाहता हूँ कि भाई जो मस्जिद के मेंबर पे बैठते हैं वो लोगों में मेडिकल अवेयरनेस भी पैदा करें कि भाई ये सारी चीज़ें जो, क्योंकि सबसे पहले लोग मस्जिदों में उलमाओं के पास लेके आते हैं। तो आप प्लीज़ डॉक्टर का भी बात करें कि भाई डॉक्टर को भी दिखाओ इस बच्ची को, हर बार जिन नहीं हो सकता। तो आई एम श्योर कि आप लोग मेरे इस मैसेज को पॉजिटिवली लेंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप प्लीज़ इस मैसेज को शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर और सीरीज़ बनाऊं, मेरे पास 40-50 इस तरह के केसेस हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लर्न किए हैं एक्सपीरियंस से, आई विल शेयर इट विथ यू। आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि डू यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू विद दिस सीरीज़, डिड यू रियली इन्जॉय इट और नॉट, क्योंकि मैं एक्सट्रीमली बिजी होता हूँ। अगर तो ये वीडियोस प्रोडक्टिव नहीं है, अगर आपको फ़ायदा नहीं है, तो देन वी कैन डू समथिंग एल्स। आई होप कि यू एंजॉयड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अशफाक फ्रॉम लंदन।